साढ़े नौ साल में बैकवर्ड के लिए क्या किया जरा बता दीजिए दर्शकों। साढ़े नौ साल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को आपने मुख्यमंत्री बना के रखा, तो उसके बाद ही बैकवर्ड की याद क्यों आई आपको? बीजेपी खाली बैकवर्ड से है। लेकिन आरडी जी, आपने कहा कि दोहन कांग्रेस ने भी किया, इनेलो ने भी किया बैकवर्ड का, तो क्या भाजपा ने नहीं किया? बीजेपी आने के बाद में बीजेपी ने कोशिश की है कि समाज के सभी वर्गों को उनका अधिकार मिले। क्या वाकई में ट्रंप कार्ड साबित होने वाला है बैकवर्ड कार्ड? आपको ज्यादा प्रयास नहीं करने वाले? नहीं, प्रयास तो जरूर करेंगे, पसीना बहाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जनता बहक भी जाती है, लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं चलता। बहक चुकी है, पांच सीटें आप गवा चुके हैं। आपने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनों का काम किया था, लेकिन मनोहर लाल खट्टर पर तो ये आरोप लगते हैं कि अपनों के भी काम नहीं किए, इसलिए साढ़े नौ साल में आला कमान ने उनको दिल्ली बुला लिया, ये बसपा के साथ गठबंधन बना दिया। कहीं भाजपा की राहें मुश्किल तो नहीं करने वाले? जैसे कांग्रेस जाती के हम आने के बाद ये करेंगे, जबकि 60 साल उनका राज रहा तब तो उन्होंने कभी किया नहीं जी। बीजेपी हमेशा वोट उस चीज के लिए मांगती है जो वो कर चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा आज पर। अगर आप हरियाणा की राजनीति की बात करें तो आजकल ये राजनीति बैकवर्ड के बीसी के इर्द गिर्द घूम रही है। भाजपा ने, सत्तासीन पार्टी ने बैकवर्ड वर्ग से मुख्यमंत्री को बना दिया। इरादा था कि कहीं ना कहीं ट्रंप कार्ड वो खेलना चाहते हैं, जो एक बड़ा वर्ग है बैकवर्ड का, उसको भुनाना चाहते हैं, उसी के बूते तीसरी बार सरकार बनाना चाहते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना भाजपा के किसी वरिष्ठ नेता, बैकवर्ड के नेता से बात की जाए और ये पूरा गणित है, ये पूरा समीकरण है, ये समझा जाए क्या वाक्य में तीसरी बार सरकार बैकवर्ड के भरोसे भाजपा बनाना चाहती है, और अगर बनाना चाहती है तो बैकवर्ड को देना क्या चाहती है, उसी पर चर्चा कर लेते हैं। और हमारे साथ भाजपा के बड़े नेता आर डी कल्याण जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, और आपके चैनल हरियाणा आज तक के सभी दर्शकों को भी मैं जो ना नमस्कार करता हूं, और आपको भी इस चीज के लिए बधाई देता हूं। तो कल्याण जी, आपको भाजपा का नेता कहा जाए या फिर बैकवर्ड का नेता कहा जाए? दोनों अलग अलग तो नहीं है, मैं भाजपा में भी हूं और मैं बैकवर्ड से भी हूं। क्योंकि इन दिनों भाजपा बैकवर्ड का ज्यादा राग लाप रही है, वजह क्या है? बैकवर्ड से स्नेह ज्यादा है, बैकवर्ड से प्यार ज्यादा है, या फिर 2024 में मझधार से नैया निकालने का सहारा ही बैकवर्ड ढूंढ रही है? नहीं, देखिए, आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि बीजेपी खाली बैकवर्ड से है। बीजेपी जो पार्टी है उस वो सभी वर्गों से है। हाँ, एक काम जरूर बीजेपी ने किया है कि पीछे जो जब से हरियाणा बना है और जिस पार्टी की सरकार रही है, ज़्यादातर कांग्रेस की रही है या नेलो की रही है जी, तो सभी ने बैकवर्ड का दोहन किया है, उनके वोट जरूर बटोरे हैं, और देने के नाम पे उन्होंने, उनके पास कभी कुछ इस समाज के प्रति नहीं रहा है। तो बीजेपी आने के बाद में बीजेपी ने कोशिश की है कि समाज के सभी वर्गों को उनका अधिकार मिले, जिसमें बैकवर्ड भी है। बैकवर्ड की तरफ जो बैकवर्ड एक अच्छा खासा वोट बैंक भी है, उसकी संख्या भी है हरियाणा में, तो उनका प्रतिनिधित्व भी बनता है, उनका हिस्सेदारी भी बनती है। देखिए जी, जो भी हमारी, चाहे वो विधायिका लगा लो, चाहे हमारी कार्यपालिका लगा लो, जिससे हमारा सिस्टम और सरकारें चलती हैं, तो उस सब में प्रतिनिधित्व तो सब वर्गों का होना चाहिए, क्योंकि सरकार क्या है, वो जनता द्वारा चुनी गई है और जनता के लिए उसने काम करना है, तो जनता के हर वर्ग के प्रतिनिधि भी उसमें होने चाहिए ताकि उनकी समस्याओं का हल हो सके। यानी 32% जो बैकवर्ड है उसका प्रतिनिधित्व भाजपा चाहती थी, इसलिए मुख्यमंत्री नायब सैनी को बना दिया? नहीं नहीं नहीं, पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि जो बैकवर्ड की जो जनसंख्या, वो 32% नहीं, 32% जो जनसंख्या ओबीसी ए की है जी, वो जो बैकवर्ड है वो भी हरियाणा में ए और बी दो पार्ट में है जी, जिसमें 32% खाली ओबीसी ए का है और 11% ओबीसी बी का है। तो टोटल जो हमारी पॉपुलेशन है ओबीसी के हरियाणा में 43% चलिएगा। मैं वही सवाल आपसे करता हूँ, जनता भी शायद वही जानना चाहती है, 43% जब बैकवर्ड की हिस्सेदारी है तो साढ़े नौ साल के बाद ही बैकवर्ड की याद क्यों आई? साढ़े नौ साल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को आपने मुख्यमंत्री बना के रखा, तो उसके बाद ही बैकवर्ड की याद क्यों आई आपको? नहीं, ऐसा कोई याद आने वाली बात नहीं है। ये देखो, सभी समाज बीजेपी के लिए एक जैसे हैं जी,
अब आप ये कहेंगे कि जी अभी सैनी जी को जो ना अभी मुख्यमंत्री क्यों बनाया जी, ये कोई बैकवर्ड देख के मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उनकी जो जीवन भर की उनकी जो तपस्या है, जो मेहनत है, जो राजनीति में उन्होंने मेहनत करी है, उस आधार पे उनको मुख्यमंत्री बनाया। और बीजेपी में ऐसा तो कभी होता ही नहीं, बीजेपी में तो ये आम, आपने पीछे देखा होगा कि कोई भी साधारण साधारण कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन जाता है, आम कार्यकर्ता को भी बना देती है, वो सब उनकी मेहनत पे है, उनकी जो उनकी पार्टी के लिए जो उनका योगदान है, जो उनकी तपस्या है, कैटेगरी देखकर नहीं बनाया, कैटेगरी देखने वाली कोई बात नहीं है ऐसे बीजेपी में, लेकिन बीजेपी किसी को भी बना देती है उसके काम के आधार पर। लेकिन आरडी जी, आपने कहा कि दोहन कांग्रेस ने भी किया, इनेलो ने भी किया बैकवर्ड का, तो क्या भाजपा ने नहीं किया? क्या वोट बैंक की तरह उसे नहीं देखते? नहीं, भाजपा ने भी किया है, लेकिन भाजपा ने दिया भी है जी। बाकी जितनी भी सरकारें पीछे रही हैं जी, तो उन सबसे ज्यादा अगर हम माने तो बैकवर्ड को बीजेपी ने ही दिया है। चलिए, 9.5 साल में अगर दोहन भाजपा ने नहीं किया, बैकवर्ड को दिया ही दिया है, तो 9.5 साल में बैकवर्ड के लिए किया क्या आपकी सरकार ने, जिसके बूते आप जनता के बीच जाने वाले, उनसे वोट मांगने वाले, क्योंकि वो आपका रिपोर्ट कार्ड तो देखेंगे ना। 9.5 साल में बैकवर्ड के लिए क्या किया जरा बता दीजिए दर्शकों। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको, बैकवर्ड का मतलब क्या है कि जो आदमी ज्यादा गरीब है, हमारे जो समाज का वर्गीकरण हुआ है, वर्गीकरण में क्या क्या है, उसमें एससी है, बीसी है, जनरल है, जो सबसे शैक्षणिक और सामाजिक, इस आधार पे समाज का वर्गीकरण किया गया है जी। जो सबसे नीचे वाला तबका था उसको एससी में बांटा था, उससे ऊपर वाला बैकवर्ड में था, और उससे जो बाकी तो फिर है जनरल है जी। जनरल का मतलब जो संपन्न हमारी कास्ट है, वो जनरल में रखी गई थी जी। तो बैकवर्ड के लिए जो आप पूछ रहे हो कि क्या किया, तो 9.5 साल के इस कार्यकाल में माननीय मनोहर लाल जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, आप उनकी जितनी भी पॉलिसीज उठा के देख लीजिए, जितनी पॉलिसी उन्होंने लागू की है हरियाणा में, चाहे वो गरीबों को मकान देने की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड के देने की बात हो, चाहे वो गैस के सिलेंडर देने की बात हो, चाहे वो अनाज देने की बात हो, और तमाम ऐसी 100 से 150 के लगभग ऐसी योजनाएं हैं जो सब की सब गरीब आदमी पर लागू होती है, वो गरीब आदमी के घर को टच करती है, उसकी चौखट को टच करती है, जिसमें बैकवर्ड का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जी। यानी कि कहा जा सकता है कि जो बैकवर्ड को आपने दिया उसके बलबूते अब वोट मिल जाएंगी, क्या वाकई में ट्रंप कार्ड साबित होने वाला है बैकवर्ड कार्ड आपके लिए? देखिए, मैं इसको ट्रंप कार्ड नहीं मानता, आप इसको जैसे मर्जी डिफाइन किए, मैं तो उसको इस जो उनका जो चयन हुआ मुख्यमंत्री के पद के लिए, वो उनकी मेहनत का फल है, और वो उनका अधिकार था कि उन्होंने पार्टी में लंबा एक संघर्ष करके अपनी जगह बनाई है, और ये भाजपा में एक परिपाटी है कि जो भी कार्यकर्ता उसके लिए काम करता है उसको उसका जो फल है जरूर अवश्य मिलता है। यानी अब जब 2024 में विधानसभा चुनाव में आप जनता के बीच जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा आप मानते हैं कि वाकई में मिलने वाला है जनता, जनता इस बात को याद रखेगी या फिर नजरअंदाज कर देगी? देखिए, जनता को जरूर याद रखना चाहिए, और बीजेपी जब भी इलेक्शन में जाती है जी, वो कभी झूठे वादे करके नहीं जाती, जैसे कांग्रेस जाती है हम आने के बाद ये करेंगे, जबकि 60 साल उनका राज रहा तब तो उन्होंने कभी किया नहीं जी। बीजेपी हमेशा वोट उस चीज के लिए मांगती है जो वो कर चुके हैं, अपनी जो उनकी करे हुए काम है उन्हीं को जनता के सामने रखते हैं और उसी के आधार पर वोट मांगते हैं। यानी हवा हवाई में बात नहीं करेंगे आप? बिल्कुल नहीं करेंगे जी, हवा हवाई में जो हमने काम किया है, हमारी सरकार ने जो काम किया है, हम उनके आधार पर वोट मांगेंगे। हाँ, जैसे कांग्रेस सरकार झूठ जो परोसती है उनका जो ना कहीं जनता को हम जरूर बताएंगे कि झूठ बोल रहे हैं, उनका पर्दाफाश जरूर करेंगे। लेकिन कल्याण जी, जब 10 साल के बाद जनता के बीच जाएंगे, एंटी इनकम्बेंसी होगी, बहुत सारे ऐसे लोग इंतजार कर रहे होंगे, ये काम नहीं किया, नेताजी आएंगे फिर पूछेंगे, आप जब भाजपा के कार्यकर्ता आएंगे तब पूछेंगे, और आप भी जब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे, पूरे हरियाणा में आप जाएंगे, तो तब आपको भी उनके सामना करना पड़ेगा, तो कैसे जवाब दे पाएंगे? बिल्कुल सामना करेगा, और मुझे जवाब हमारे पास देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, जो जो भी योजनाएं हमारी अभी तक 10 सालों में माननीय मनोहर लाल जी ने बनाई है जी, वो एक एक कोई भी योजना उठा के देख लीजिए, वो सब के सब जो ना गरीब आदमी पर लागू होती है, और हम जनता को समझाएंगे। आपने जितने अच्छे काम किए हैं, जितने बेहतरी के काम किए, कल्याण के काम जनता के लिए किए, उसके उलट कांग्रेस जाकर बताती है कि ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, ये छूट गया, वो छूट गया, तो कहीं ना कहीं मैं कह तो रहा हूँ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भारी तो नहीं पड़ेगी। मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि कांग्रेस खाली झूठ परोसती है और प्रोपेगंडा करती है, कामयाब हो रही है, कहीं ना कहीं जनता बहक भी जाती है, लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं चलता, बहक चुकी है, पांच सीटें आप गवा चुके हैं, तो सीधे सीधे जनता के दिलों में राज करना शुरू कर चुकी है, चुकी है, लेकिन उसी जनता से आज अगर आपकी आज की डेट में पूछोगे तो जनता ये भी कह रही है कि हमारे से गलती होगी, गलती आगे नहीं करेंगे।
यानी विधानसभा में वो आगे नहीं करेंगे वाले हैं। अभी हमारे से गलती होगी, आगे नहीं करेंगे, यही कोई चीज को भी महसूस कर रही है कहीं। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि भाई साहब जनता के बीच जब जाते हैं तो कहते हैं भाई साहब बिल्कुल सुपड़ा साफ कर देना हमने भाजपा। किस आधार पे करेंगे? उन्होंने किया क्या आज तक मेरे को बताइए? आज तक आम आदमी के लिए सिवाय अपने आदमियों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया होगा, मैं नहीं कहता जी, लेकिन आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए, बैकवर्ड के लिए, मुझे कोई भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कांग्रेस सरकार के कोई भी आदमी ये बताते हो कि गरीब आदमी के लिए, बैकवर्ड के लिए हमने ये किया। लेकिन इवन देन अभी आपने माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम लिया था जी, तो सैनी साहब मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनते ही आपको उनकी कार्यशैली में नजर भी आया होगा कि बैकवर्ड के लिए उन्होंने क्या क्या किया। आडी साहब फंस गए, ठीक है, आपने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनों का काम किया था, लेकिन मनोहर लाल खट्टर पर तो ये आरोप लगते हैं कि अपनों के भी काम नहीं किए इसलिए 9.5 साल में अला कमान ने उनको दिल्ली बुला लिया। नहीं नहीं नहीं, उनकी प्रमोशन हुई है। देखो कोई आदमी जब अच्छा काम करता है, आप भी अच्छा काम करते हो, आज आप इस पद पे हो, अगर आप बढ़िया काम करेगी तो हो सकता है आप ही का जो ये चैनल है आपको कहीं ना कहीं अपग्रेड कर दे। तो मनोहर लाल जी इसको अपग्रेड, अगर आप मानते कि अगर मुख्यमंत्री को यहाँ से हटा के कहीं खाली बिठा दिया तब तो हम मानते कि उन्होंने काम नहीं किया और सजा दी गई, उनको प्रमोट किया। और प्रमोट किसको किया जाता है? अच्छे काम, जो आदमी अच्छे काम करता है उसी को प्रमोट किया जाता है, और उसी का परिणाम है कि उनको प्रमोट किया गया, कि उनके मार्गदर्शन की अब सेंटर में भी जरूरत है। जो पॉलिसी उन्होंने हरियाणा में लागू करी है गरीब आदमी के लिए, बैकवर्ड के लिए या जनसाधारण के लिए, ऐसी पॉलिसी वो सेंटर में भी जाकर के बनाए। कई स्टेट से हमने सुना है कि वहां से तो डिमांड आई थी जी, कि हरियाणा का जो मॉडल है हमें बताओ जी, हम भी यहाँ लागू करना चाहते हैं। यानी आश्वस्त है आडी साहब? बिल्कुल जी, भाजपा की जीत को लेकर बिल्कुल जी, बिल्कुल दोबारा बनने वाली है सरकार, बिल्कुल बने, कोई मशक्कत नहीं होने वाली? नहीं नहीं, कोई ज्यादा प्रयास नहीं करने वाले? नहीं, प्रयास तो जरूर करेंगे, पसीना बहाना पड़ेगा, प्रयास तो जरूर करेंगे, क्योंकि हम प्रयास नहीं करेंगे तो दूसरी जो हमारी विरोधी पार्टियां हैं वो जनता के सामने जो ना झूठ परोस करके फिर कहीं ना कहीं वोट बैंक को प्रभावित करेगी। इसलिए हमारा कर्तव्य है, हमारा कार्यकर्ता पूरा बिल्कुल इलेक्शन में समाज में रहेगा, जनता के बीच रहेगा और अपनी जो उपलब्धियां हैं, अपनी जो पॉलिसीज हैं उनके बारे में जरूर बताएगा। जब तक हम बताएंगे नहीं तो कार्यकर्ता का, जनता का मन बदलेगा कैसे? नहीं तो जो झूठ परोसा जाएगा वही इसके दिमाग में खर्च कर जाएगा। लेकिन अब तो आपके विपक्ष है, इन लोगों की मैं बात करूं, उन्होंने भी खेमेबंदी शुरू कर दी है, रणनीति बनानी शुरू कर दी है, बसपा के साथ गठबंधन बना दिया, कहीं भाजपा की राह मुश्किल तो नहीं करने वाले? ऐसा है जी, अपना जमीन बचाने के लिए राजनीतिक पार्टियां पता नहीं क्या क्या करती जी। अगर उनको गठबंधन करने की जरूरत पड़ी तो क्यों पड़ी? अब लोकसभा का परिणाम देख लो, लोकसभा का परिणाम में कहां गई वो जी। इसलिए उनको जो ना अपने आप को जिंदा रखने के लिए कहीं ना कहीं गठबंधन करने पड़े। भाजपा पे फर्क पड़ेगा कुछ? नहीं, भाजपा के इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमेशा इनेलो को, अभय चौटाला को बी टीम कहा जाता है भाजपा की, कहीं ये भाजपा के फायदे के लिए गठबंधन तो नहीं कराया गया? नहीं, इसको आप बी टीम कह ही नहीं सकते, वो अपनी राजनीति करते हैं, भाजपा अपनी, लेकिन फायदा तो भाजपा को मिलता है। इतनी इतनी छोटी पार्टी नहीं है कि उसको किसी के सहारे की जरूरत पड़े, लेकिन कि उसको अपनी बी टीम बनानी पड़े। अक्सर बातें तो उठती हैं, बातें तो पब्लिक है जी, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि दलित वोट बैंक कांग्रेस को शिफ्ट होने वाला था तो कहीं ना कहीं बसपा के साथ इनेलो का गठबंधन हो गया, वो वोट बैंक कटने वाला है। अभी जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ है बसपा के साथ दलित वोट कितना गया उसका कैलकुलेशन कर लो जी। जी चलिएगा, उस पर मैं फिर चर्चा करूंगा। अभी का मुद्दा बैकवर्ड का था, बैकवर्ड के नेता हमारे साथ थे, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आरडी कल्याण जी, आप हमारे स्टूडियो आए और हमसे बात की। ठीक है, नमस्कार सभी को। चलिएगा दोस्तों, लगातार बने रहिएगा हरियाणा के साथ। अगर अभी तक आपने हरियाणा आज को फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर नहीं फॉलो किया, नहीं सब्सक्राइब किया तो दोस्तों कर लीजिएगा, क्योंकि विधानसभा 2024 की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए, हरियाणा की गलियों की, कूचों की, शहर की और राजधानी की खबरों के लिए आप देखते रहिएगा हरियाणा आज।